नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राजनीति, अपराध तथा सामाजिक जगत से जुड़ी हुई खास खबर। आखिर क्या यही है योगी सरकार? खुलेआम उड़ाई गई कानून की धज्जियां। पीलीभीत 26 लोकसभा चुनाव के मतदान में 21 अप्रैल से 23 अप्रैल तक शराब भट्टियों के बंद करने के निर्देश दिए गए थे। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सरकार द्वारा सभी देशी व अंग्रेजी शराब भट्टी पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन बीसलपुर नगर की शराब भट्टी संख्या 2 पर जमकर खुलेआम शराब की बिक्री हुई। इस भट्टी के गद्दीदार ने दुकान का बाहर से शटर को बंद कर उसमें अंदर बंद होकर एक साइट खोल शराब बिक्री कर रहा था कि अचानक पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गद्दीदार को अंदर से निकाला। यह प्रकरण पूरे दिन नगर में चर्चा का विषय बना रहा और आचार संहिता के उल्लंघन की धज्जियां उड़ाई गई। यही नहीं, ग्रामीण अंचलों में भी देशी शराब भट्टी के गद्दीदारों ने भट्टी का बाहर से ताला लगाकर अन्य घरों में जमकर शराब की बिक्री की और खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई गई, जिसको लेकर लोगों में भारी रोष पनप रहा है। जबकि मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीन भी खराब हो जाने के कारण चुनाव में दिक्कतें आई और लेट लती मतदान शुरू हुआ। न्यूज में खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबरों नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध कि आपके आसपास कोई घटना घटित हुई है या फिर कोई समस्या है और आप उसे एबी न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।